तो हेलो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक हेडफोन चाहिए और आपका बजट अप्रॉक्स 1000 से कम है तो आपको कौन से हेडफोन लेने चाहिए। अगर आप नेट पर सर्च करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस समय अपने हेडफोन्स बेच रही हैं 1000 से कम में। बहुत सारी कंपनीज हैं और जो फेमस कंपनीज है आप उनके बीच में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का हेडफोन चूज करना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सोनी का एक सेट है, यहाँ पे सोनी MDR-ZX110A। ये हेडफोन अप्रॉक्स आपके 500 से 600 की रेंज में आते हैं। फिर है JBL P25SI, ये हेडफोन आपके अप्रॉक्स 700-800 के रेंज में आते हैं। फिर आपके सेनहाइजर, ये मॉडल बहुत फेमस है, बहुत ही ओल्ड मॉडल है, सेनहाइजर HD 180 है, ये आपके 900-700-800 डिफरेंट साइट पे डिफरेंट आपको प्राइस में ये अवेलेबल है। फिर है आपका फिलिप्स SHL 3095, ये मॉडल अभी 1 ईयर के अंदर लॉन्च हुआ है और ये मॉडल का प्राइस है अप्रॉक्स 1000। तो अगर हम बात करें कि हमें कौन से हेडफोन लेने चूज करने चाहिए, तो अब किसमें क्या क्या चीज़ है और किसमें क्या क्या चीज़ नहीं है। पहला आपका हम चूज करते हैं सोनी का हेडफोन। अगर आपका प्राइस रेंज बहुत ही कम है 500-600 है तो आपको सोनी का चूज करना चाहिए। इसकी साउंड एवरेज साउंड है, बेस ट्रेबल ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, और वायर की जो उसकी लेंथ है वो 1.2 मीटर के अप्रोक्स है। तो अगर आप एक डेली आपको एक मतलब बहुत अच्छे आप सॉन्ग लवर नहीं है और आपको एवरेज और एक कम प्राइस में हेडफोन चाहिए तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इसके अंदर एक बात और है, ये फोल्डेबल है, तो सोनी वाले के अंदर आप अपने कप्स को फोल्ड कर सकते हैं। और एक अगर आप बात करते हैं लुक वाइज तो इसकी लुक बहुत अच्छा आता है। फिर हमारे पास है JBL के हेडफोन की साउंड क्वालिटी सोनी वाले से काफ़ी अच्छी है और इसका बेस ट्रबल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन साउंड की वॉल्यूम लाइक अगर आप ट्रैवल करते हैं बाहर इंडिया के अंदर, आप अगर चूज करना चाहते हैं और आप ट्रैवल करते हैं बस के अंदर ट्रेन के अंदर, तो आप क्या फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है बस के अंदर, तो जो साउंड आती है वो आपकी बहुत मतलब आस पड़ोस के जो क्राउड आता है बहुत साउंड करते हैं तो आप सुन नहीं पाते मेट्रो के अंदर भी बस के अंदर भी। तो मेरे ख्याल से आप JBL की अगर आप चूज करेंगे तो वो साउंड आप सुन नहीं पाएंगे, साउंड उसकी थोड़ी सी कम है। और फिर आते हैं साइनहाइजर भी बहुत ही फेमस हेडफोन है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसका एक बहुत बड़ा कोन है वो कोन है इसका वायर, जो उसकी वायर की लेंथ है वो 3 मीटर्स की है, तो वो अपने आप में ही संभालने में उसको इतना बड़ा काम है। आप 3 मीटर्स को फोल्ड करेंगे, आप 3 मीटर्स को कहाँ रखना है आपको, तो अपने आप में एक चैलेंज बनता है। लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन साउंड की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम है, बेस एंड ट्रेवल इसका काफ़ी अच्छा है। फिर आते हैं अपने पास फिलिप्स के हेडफोन्स हैं, ये मैंने बताया था आपको 1000 की रेंज है, लेकिन इन हेडफोन्स की क्वालिटी, इन हेडफोन्स की साउंड, इसकी बेस, इसका ट्रेवल सारी एकदम बहुत अच्छी है। और इसके अगर हम कंपेयर करें सबको तो इसके अंदर साउंड क्वालिटी तीनों के अंदर थोड़ी थोड़ी कम है और इसके अंदर साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है फिलिप्स की। और साथ में इनके अंदर एक इसके अंदर माइक भी है क्योंकि इन तीनों के अंदर अवेलेबल भी है। इफ यू वांट टू टॉक विद योर हेडफोन्स तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप फिलिप्स वाले हेडफोन चूज करें। तो मैं प्राइस अप्रोक्स पर यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 500 है इसका अप्रोक्स, इसका 700 है, इसका 800 है और इसका 1000 है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चूज करना चाहते हैं साउंड को लेके, बेस ट्रबल आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, आपको अपने कप्स को है वो 360 डिग्री में मूव होने चाहिए और सारी चीज अगर आपको चाहिए तो आई विल रिकमेंड दी फिलिप्स हेडफोन्स फॉर यू। तो हेलो गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक फिलिप्स के हेडफोन की। तो ये फिलिप्स के हेडफोन मैंने पेटीएम से मंगाए हैं, वैसे इसकी कॉस्ट 1000-1100 है लेकिन ये मुझे डिस्काउंट पे 850 के पड़े हैं। तो ये मैं स्टाइल देख रहे होंगे आप इसको अनबॉक्सिंग करने का, आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे अगर आप चाहें, लेकिन चाकू अगर आपके पास हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वो, अगर नहीं हो देन यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन। जैसा कि आप देखते हैं कि देख सकते हैं कि इसका डिब्बा जो है फटा हुआ आया है, शायद ये कॉस्ट बुझा रहे हों, ये पेटीएम वालों की मर्जी है। तो ये देखिए एक डिब्बा आया है इसका और उसके अंदर ये फिलिप्स के हेडफोन्स
तो ब्लैक वेरिएंट है इसका मेरे पास विंडोज के हेडफोन का, और इसका पूरा नाम है SHL3095/BK। BK इसका क्योंकि ब्लैक है, और इसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं 1000 mW लिखा हुआ है, और 32 mm की इसकी ड्राइवर है। 32 mm का ड्राइवर का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा ड्राइवर होता है उतना ज़्यादा साउंड की क्वालिटी ज़्यादा आती है उसकी। तो ये हम कह सकते हैं कि इसको मेज़र करने का एक तरीका है। फिर इसमें बना हुआ है कि ये कैसे फोल्ड हो सकता है, तो ये बहुत सारे तरीके से फोल्ड हो सकता है, और इसके अंदर ये वाली चीज़ मैंने वीडियो में देखी थी पहले भी, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया है इस ऑप्शन को, क्योंकि ये हम इसको कैरी करने में बहुत ज़्यादा ईजी है ये वाला वेरियंट। फिर इसके अंदर माइक भी है। सेकेंड ऑप्शन इसका चूज़ करने का ये था कि इसमें माइक है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं भाई माइक की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन माइक की ज़रूरत है। अब वो क्यों है, अब बंदा बात कर रहा है फ़ोन पे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो इसको लैपटॉप यूज़ करूँगा, तो अब कोई बंदा बात कर रहा है फ़ोन पे, कॉल आई, कॉल आएगा तो बंदा क्या करेगा, है माइक को उतारेगा पहले और वो फ़ोन से बात करेगा, तो भाई वो हेडफोन से बात करेगा, अपनी हेडफोन लगाए रखे हैं उनने, 1000 रुपये खर्च करे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको खोलने वाले हैं। अब इसको खोलेंगे हम कहां से, इसको यहां से हम हमने काट दिया यहां से, तो पीछे दिया हुआ था ओपन करने का। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पीछे दिया हुआ है ओपन करने का, आप पीछे से इसको ऐसे काट के ऐसे 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 करके चाहिए उंगली दिखा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इसमें उंगली का, हम कैसे उंगली डाल के कर सकते हैं इसको ऊपर, तो ऐसे करके बहुत ही इन्होंने फ्रिक्वेंटली बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, तो हमने इसको ऐसे उंगली डाल के हमने इसको ओपन कर लिया है। So here we go. Okay. So, अब ये बॉक्स ओपन है, और इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो आया है तो हेडफोन ही आया है सिर्फ, तो बॉक्स के अंदर सिर्फ एक हेडफोन आया है ब्लैक कलर का। तो इसको हम ऐसे करके खोल लेते हैं, तो ये है हमारा 3.5 mm जैक का फिलिप्स का हेडफोन, आराम से खोलते हैं। ये हमने इसको यहाँ से निकाल लिया है ऐसे करके, ऐसे बहुत फंसा के दिया है ये हेडफोन फिलिप्स वालों ने, कोई नहीं, अब उनसे तो कुछ कह नहीं सकते हमारी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हेडफोन देखने में बहुत अच्छा है एंड फील करने में बहुत अच्छा है। तो ये जो इसका रोटेशन है 360 रोटेशन दिया हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छे इसके कुशंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। ये मैंने पहले भी इसके और काफ़ी रिव्यूज़ में पढ़ा था कि जो कुशन इसके बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अगर हम दूसरे के हेडफोन से कंपेयर करें, सोनी वाले से करें, किसी और से कंपेयर करें। तो अब इसको हम लगा के देखते हैं, लगा के कैसे देखें, लेकिन कोई नहीं, इसको हम लगा के देखते हैं। ये हमने इसको लगाया यहाँ पे अपने ईयर्स में। पहले हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद इसको वायर इसको हम खोल देते हैं, उसके बाद उसको इसको लगाएंगे। ओके, ये हमने वायर खोल लिया इसका। तो वायर की अगर बात करें, अप्रोक्स 1.2 मीटर का वायर दिया हुआ है, तो एक फोन के हिसाब से काफी है इतना वायर। मैं इसको अपने फोन में लगा के आपको चेक कराता हूँ, तो भी चेक करता हूँ ये ठीक है नहीं आया। तो ये हमने यहाँ लगा लिया है मेरे फोन में। सबसे अच्छी बात इसमें एक और है कि जो उसका जैक है 3.5 mm का जो जैक है, ये स्ट्रेट नहीं है, फिर मोटोरोला के ईयरफोन्स में होता है वो स्ट्रेट होता है, तो हम जब हम उसको अपने फ़ोन में रखते हैं अगर रखते हैं तो वो बेंड हो जाता है, बेंड होने की वजह से वो कट आ जाता है इसके ऊपर, यहाँ ये जो चीज़ है इस पर कट आ जाता है और वो टूट सकता है। लेकिन इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो हम ईजिली इसको कहीं भी अपनी पॉकेट में या कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो पहले से बेंड है, तो इसमें ये वाली चीज़ नहीं आएगी।
तो लगाने के बाद तो आवाज मुझे बाहर की आ नहीं रही है, इसका साउंड कैंसिलेशन मुझे लगता है काफी अच्छा है। वैसे मैंने चेक किया था साउंड कैंसिलेशन माइनस .88 dB या .8 dB था, तो जो कि काफी अच्छा है और के मुकाबले गाइस इसकी आवाज बहुत अच्छी है। इसका बेस एंड ट्रबल इसका बहुत अच्छा है और ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे इसको पुट करने के बाद कि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में आई विल रिकमेंड दिस हेडफोन्स टू यू। तो आप इसको बहुत ही बिना कुछ सोचे समझे इस हेडफोन को बाई कर सकते हैं और इसका जो डिस्क्रिप्शन और जो इसका लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड होप यू लाइक इट।